हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि आप बॉल पेन का यूज करके किस तरह से इस तरह की आईज ड्रॉ कर सकते हैं, और इसके मैं स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल अपलोड कर दूंगा कंप्लीट फेस के। और पेन मैं यूज कर रहा हूँ पेपरमेट का 1.0 mm वाला, जिसपे मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। इसका मैंने रिव्यू करा था, इसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और शेडिंग के लिए मैं कुछ इस तरह से हैचिंग का यूज करूंगा, इस तरह से लाइंस लगाऊंगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही मेथड का यूज करूंगा मैं इसमें। सबसे पहले आउटलाइंस को ड्रॉ करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। आप लाइटली बिल्कुल आउटलाइंस को ड्रॉ कर लो मैकेनिकल पेंसिल या फिर पेन का यूज करके। इस वीडियो में मैं आपको दोनों आईज को शेड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आईरिस को शेड कर लेते हैं। आईज में जो भी डार्क पार्ट है उसको मैं पहले ऑप्ट कर लेता हूँ, और सिंपली बस प्रेशर का अप्लाई करना है, और डायरेक्शन में जिस तरह की आई है फोटोग्राफ में से ऑब्जर्व करके, जितना भी डार्क है उसको आप प्रेशर का अप्लाई करके डार्क कर सकते हैं, जैसे हम ग्रेफाइट में करते हैं सेम वैसे ही। अभी तक तो मैंने इसमें बिल्कुल भी हैचिंग का यूज़ नहीं किया, बिल्कुल भी शेडिंग का यूज़ नहीं किया, सिंपली बस पेन को ही यूज़ कर रहा हूँ मैं, जैसे सिंपली हम आई ड्रॉ करते हैं। मैंने वैसे वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, आई पे बेसिक मैंने वीडियोज़ बना रखी हैं। बस हमारे प्रपोर्शन एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि पेन मिटता नहीं, अगर आपसे थोड़ा गलत ड्रॉ हो गया तो मिटेगा नहीं। तो अच्छे से एक बार प्रपोर्शन को ड्रॉ कर सकते हैं आप ग्रिड्स का यूज़ करके, किसी और मेथड का यूज़ करके। पेपर में रफ यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप टेक्सचर देख सकते हैं 180 GSM फेब्रियानो का, इसमें काफ़ी अच्छे से हैचिंग हो पाती है बॉल पेन से। अब मैं हल्की फुल्की हैचिंग कर रहा हूँ इस तरह से आई के ऊपर वाले पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डार्क है, तो इस तरह से मैं पेन का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपके पास पेपरमेट का ही हो, बट अगर पेपरमेट का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे काफ़ी लाइट शेडिंग हो पाती है। बाय द वे, आप कोई भी पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी बॉल पेन आप काफ़ी अच्छे से उससे भी हैचिंग कर सकते हैं, अगर आप इन मेथड को फॉलो करेंगे तो। इसी तरह से हमने हैचिंग करके ही डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करना है, लाइट वैल्यूज़ को ऑप्ट करना है, इस तरह से बस लाइंस लगानी है हल्की हल्की, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है। आईब्रोज़ में थोड़ा बहुत मैं प्रेशर का अप्लाई कर लूँगा, क्योंकि आईब्रोज़ में डार्क हेयर होते हैं, और आईब्रोज़ डार्क होते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर लूँगा, थोड़ी ज़्यादा लेयरिंग कर लूँगा, बट हेयर की डायरेक्शन में हमने स्ट्रोक्स लगाने हैं इस तरह से। इस वाले पार्ट में थोड़ी और डेप्थ है, थोड़ी और डार्क है, तो मैं और ज़्यादा हैचिंग कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप हैचिंग करोगे उतना ज़्यादा डार्क हो जाएगा, बस ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना है, लाइन्स को ऑप्ट करना है। आई के नीचे भी यहाँ पे थोड़ा डार्क पार्ट है, तो शेडो है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत हैचिंग कर लेंगे। यहाँ पर स्किन के ऊपर थोड़े बहुत हेयर से आ रहे थे, आपको पता है माइकल जैक्सन के हेयर किस टाइप के हैं, तो वो हेयर से आ रहे थे। बाय द वे, फोटोग्राफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको ड्रॉ करना है तो। यहाँ पर तो बस हैचिंग ही कर रहा हूँ इस तरह से, देखो, तो बिल्कुल लाइटली करनी है, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा अगर आपको बिल्कुल अच्छे से बनाना है, जो कि आपने काफ़ी आर्टिस्ट को देखा होगा काफ़ी रियलिस्टिक बनाते हैं बॉल पेन का यूज़ करके, तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं, बस थोड़ा स्लोली स्लोली शेड करो अच्छे से ऑब्जर्व करके। इस आई के नीचे भी शेडो है, तो यहाँ पे भी मैं हैचिंग ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर से थोड़ा रियल टाइम में दिखा देता हूँ मैं आपको, बस सिंपली इसी तरह से हैचिंग करनी है, और तो कुछ करना नहीं है। डेप्थ है तो वहाँ पे बस ज़्यादा हैचिंग कर दो, ज़्यादा लेयरिंग कर दो। इस पेन से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा लाइट हैचिंग हो रही है, और रफ पेपर के ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं, मतलब लग ही नहीं रहा कि लाइंस हैं, शेडिंग की तरह ही लग रहा है, जो कि आई थिंक काफ़ी बढ़िया है। इसी तरह से हम अगर कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। फर्स्ट लेयर मैंने ऑप्ट कर लिया, मैं सेकेंड लेयर ऑप्ट कर रहा हूँ इसी तरह से। यहाँ पर थोड़ा डेप्थ होती है, आपको पता होगा आइज़ के जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पर डेप्थ होती है, तो यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हैचिंग कर लेंगे, बस प्रेशर ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो फिर मोटी मोटी लाइंस आ जाएंगी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा फिर।
इसके अंदर जो ये वाला पार्ट होता है यहाँ पे भी आप हल्की हल्की हैचिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल वाइट नहीं होता है, तो यहाँ पे भी हल्की हल्की कर सकते हैं। और आईब्रोज में वैसे ही ड्रॉ करूँगा जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा प्रेशर का अप्लाई कर लूँगा और हेयर को ऑब्जर्व करके इस तरह से बस थोड़ी मोटी मोटी लाइन्स को ऑप्ट कर सकते हैं आईब्रोज में, तो क्योंकि यहाँ पे हेयर होते हैं। सो बॉल पेन से ड्रॉ करते वक्त हमको टेक्सचर के अकॉर्डिंग प्रेशर का अप्लाई करना पड़ता है। अगर लाइट टेक्सचर है तो आपको बिल्कुल लाइट ही हैचिंग करनी पड़ेगी, अगर डार्क है या फिर हेयर है तो आपको डार्क भी कर सकते हैं आप। सो गाइस बस इसी तरह से बॉल पेन का यूज़ करके, हैचिंग मेथड का यूज़ करके आप बिल्कुल रियलिस्टिक या फिर बिल्कुल इस तरह का टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से आईज ड्रॉ कर सकते हैं। काफ़ी इजी होता है, बस आपको हैचिंग करने है जिस तरह से मैंने आपको बता दिया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आपको नोज और लिप्स को शेड करके दिखा दूंगा बॉल पेन का यूज़ करके, तो जल्दी ही मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो। मैं इसी तरह से ट्यूटोरियल अपलोड करता रहता हूँ, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू प्रैक्टिस डू इम्प्रूव टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।